नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। विश्वकर्मा पूजा कल 17 सितंबर दिन रविवार को है। भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा हर साल 17 सितंबर को बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन विश्वकर्मा भगवान की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के सातवें पुत्र और सृष्टि के पहले शिल्पकार और इंजीनियर थे। भगवान विश्वकर्मा ने ही देवी देवताओं के लिए तमाम अस्त्र शस्त्र समेत स्वर्ग लोक इंद्रलोक लंका नगरी द्वारिका नगरी आदि का निर्माण किया था। जब ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की थी तो उन्होंने इसको सजाने और संवारने का काम विश्वकर्मा जी को ही सौंपा था। इस संसार के वो पहले शिल्पकार थे। लेकिन आपको बता दें, इस दिन कुछ काम ऐसे हैं जो आपको करने चाहिए और कुछ काम करने की मनाही है। तो ऐसे में आइए जानते हैं विश्वकर्मा पूजा के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं विश्वकर्मा पूजा के दिन क्या करना चाहिए। तो आपको बता दें, विश्वकर्मा पूजा के दिन औजारों मशीनों और उपकरणों की पूजा अर्चना करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होती है। इस दिन मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, वरना आपके रोजगार और व्यापार पर बुरा असर पड़ सकता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन असहाय लोगों की मदद जरूर करना चाहिए, इससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी। इस दिन अपने औजारों को व्यवस्थित तरीके से जरूर रखें। विश्वकर्मा पूजा के दिन घर पर मौजूद बिजली के उपकरण गाड़ी आदि की सफाई जरूर करें। विश्वकर्मा पूजा के दिन अपने वाहन की पूजा करने के अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन किसी को भी अपनी गाड़ी न दें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन अपनी गाड़ी के इंजन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। तो चलिए अब जानते हैं कि विश्वकर्मा पूजा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन आप ना तो स्वयं अपने औजारों का इस्तेमाल करें और ना ही किसी को करने दें। जिन चीजों का आप अपने जीवन में रोज इस्तेमाल करते हैं, उनकी विश्वकर्मा पूजा पर सफाई करना ना भूलें। अगर आप विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति रखकर उनकी पूजा कर रहे हैं तो अपने औजारों को पूजा में रखना ना भूलें। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो विश्वकर्मा पूजा के दिन उनकी पूजा करना ना भूलें। जिन लोगों की भी फैक्ट्री आदि है या फिर उनका मशीनों से जुड़ा कोई काम है तो उन्हें विश्वकर्मा पूजा के दिन अपनी मशीनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई वाहन है तो आपको विश्वकर्मा पूजा के दिन उसकी साफ सफाई और पूजा करना नहीं भूलना चाहिए। विश्वकर्मा पूजा के दिन किसी भी पुराने औजार और अपने घर फैक्ट्री या दुकान से बाहर ना फेंकें। ऐसा करने से विश्वकर्मा जी का अपमान माना जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।